बजट पिक्चर ऊपर बहुत मदद और बचत नहीं नाल हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खरीत से होंगे, फिट पार्ट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग आप लोगों को स्टार्टिंग के क्लिप से आइडिया हो गया होगा आपके कहां का है और मैं आज कहां गई थी। तो जी हां, आज का व्लॉग है मरी के टूर पे। हम लोग मरी गए और मरी में किस तरह के हालात हैं ये सब कुछ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो में पता चलेगा। तो बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी सीन आप लोगों से मिस ना हो और आप लोग ये जान सके कि मरी में कितनी बर्फ़बारी है और मरी के कैसे हालात हैं। और अभी हम इस्लामाबाद से मरी की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में बहुत बारिश है। इस्लामाबाद में 4 दिन से मुसलसल बारिशें स्टार्ट हैं जिसकी वजह से मरी में भी बेहद जो है वो बर्फ़बारी हो रही है। तो हम लोग भी उसी स्नोफॉल बर्फ़बारी को देखने जो है वो मरी जा रहे हैं। अभी हम मेन इस्लामाबाद से निकले हैं मरी की तरफ। रास्ते में आप लोगों को मैं ये मौसम इंजॉय करवाती चलूँ, दिखाती चलूँ कि कितनी बारिश हो रही है और मोटी मोटी बारिश है। तो अब हम जा रहे हैं ये मेन मरी रोड पर। हाँ, ये मेन मरी रोड है ना, तो हम मेन मरी रोड मोटर वाले रोड पे चढ़ गए। हमने वहाँ से टोल टर्न ले लिया और ये टूल प्लाजा, और टूल प्लाजा से हम लोग जो है वो मोटरवे पर जाएंगे। मरी के लिए 2 रास्ते जाते हैं, एक मोटरवे का रास्ता और दूसरा मेन मरी हाईवे। मरी हाईवे हम लोगों ने मोटरवे का रास्ता इख्तियार किया क्योंकि वो साफ़ सुथरा रास्ता है, सड़क साफ़ सुथरी थी, तो इसलिए हम लोग मोटरवे पे जा रहे हैं। मरी हमारे साथ भाभी की फैमिली गई थी, उसके अलावा पप्पो गई थी और मेरी नंद की फैमिली गई थी, बच्चे वगैरह सब लोग। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने फ़न किया, लेकिन आगे पूरी वीडियो में देखें कि क्या क्या हुआ हमारे साथ। कुछ ट्रेजिडीज़ भी हुई लेकिन उसके बावजूद भी हमने फैमिली ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तो अभी हम जा रहे हैं ये मोटरवे पे, साफ़ सुथरा रास्ता है और आप देखें बर्फ़ वो बारिश की वजह से किस तरह का मौसम है। और दूर से ही पहाड़ों पर आप लोगों को बर्फ़ नज़र आ रही होगी कि किस कदर खूबसूरत मनाजिर है और कितनी बर्फ़ स्नोफॉल हो रही है। अभी हम मोटरवे पर जा रहे हैं और मोटरवे का रास्ता साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है इतनी ज़्यादा। लेकिन मेन मरी पे में हमारे साथ क्या होगा ये तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप लोगों को। वाओ, किस कदर खूबसूरत जो है वो सीन्स हैं, कदर खूबसूरत मनाजिर हैं। इतनी स्नोफॉल हो रही है इन दिनों मरी, बहुत 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 ज़्यादा। ये देखें हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, दूर दूर से हर तरफ आपको पहाड़ों पे घरों पे जो है वो बर्फ़ नज़र आ रही है। और ट्रैफिक देखें, लोग हजूम दर हजूम जो है वो मरी की जानिब आ रहे हैं, हर तरफ से लोग जो हैं वो मरी जो बर्फ़बारी जो है वो देखने आ रहे हैं, स्नोफॉल को इंजॉय करने आ रहे हैं। और यहाँ पर भी आप देखें किस कदर खूबसूरत, तभी मरी में बारिश हो रही है, तो बारिश से पहले भी स्नोफॉल थी और दुआ करें कि बारिश के बाद भी स्नोफॉल हो जाए क्योंकि हम लोग स्नोफॉल ही देखने आए हैं। लेकिन रश इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। यूसुफ, ये कौन सा रोड है जो ब्लॉक है? ये मेन मरी रोड है, आगे गुलडना चौक में जाता है, फिर वहाँ से आगे जाता है मार रोड पे, कश्मीर हाईवे पे। और ये पूरे का पूरा रोड, और ये पूरे का पूरा रोड जो है वो ब्लॉक है। और पथरियाटा भी यही रोड जाता है, पटराटा भी यही। और अभी पटराटा चेयर लिफ्ट पे, पटराटा चेयर लिफ्ट पे भी यही रास्ता रहता है। और अभी के लिए तो सारे के सारे रास्ते जो हैं वो ये आप देख सकते हैं ब्लॉक हैं। बर्फ़बारी की वजह से लोग इतने ज़्यादा हैं आगे मरी में कि मुझे लगता है कि हम लोगों को वापस ही जाना पड़ेगा। हर तरफ गाड़ी ही गाड़ी, ट्रैफिक इतना है और ट्रैफिक का शोर भी इतना है, बच्चे इतना डिस्टर्ब हो रहे हैं ना शोर से और बाहर भी नहीं निकल सकते। ये वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत हसीन मौसम हुआ है। लेकिन देखें ट्रैफिक कितनी बंद है, दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगी पड़ी हैं, लोग गाड़ियों से बाहर निकल के स्नोफॉल इंजॉय कर रहे हैं। और स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है, ये देखें कितनी मोटी मोटी बर्फ़ जो है वो आ रही है। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मोटी मोटी बर्फ़ है और सब लोग जो हैं गाड़ियों से बाहर आके स्नोफॉल इंजॉय कर रहे हैं।
और रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है, स्लो 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 जो है वो गाड़ी चलानी पड़ रही है। फिसलिंग इतनी ज़्यादा है, स्लिपिंग इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ पे जो है तेज़ ड्राइव कर भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा स्लिपिंग है। और बहुत ही सर्दी, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आप फ्रीज हो रही हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं तो गाड़ी से ही नहीं निकली पूरा टाइम, क्योंकि मेरे साथ छोटी सी बच्ची थी, तो इसलिए मैं तो गाड़ी में रही हूँ। तो ये गाड़ी से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। स्नो फॉलिंग देखिए कितनी खूबसूरत है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे गाड़ी में बैठ बैठ के बहुत थक चुके हैं। तो ये हम लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है, क्योंकि ट्रैफिक आप लोग सामने देख रहे हैं कि कितनी जाम है, गाड़ियाँ तो चल नहीं रही, तो बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें, बर्फ़ से खेल लें। फिर हम लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला है। और ये अयान मेरी नन को लेता है और साथ में अयान, तो ये यहाँ पे बर्फ़ से खेल रहे हैं। हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट यहाँ पे किया, बच्चे बहुत खुश थे बर्फ़ में आके। और ये आप देख सकते हैं पट्रियाटा को जाता है चेयरलिफ्ट का रास्ता, जो कि कंटेनर्स लगा कर उन्होंने फुल बंद किया हुआ है। ट्रैफिक की वजह से भी फुल जाम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई, बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा हुई है इसकी वजह से वो रास्ता बंद किया हुआ है सारा, तो इसलिए पट्रियाटा का रास्ता बंद है। पर फिर हम आगे जा रहे हैं मार रोड की तरफ जाने के वाले रास्ते पर, तो वहाँ से हम आगे गोल्डना चौक आएगा, वहाँ से हम मार रोड पर जाएँगे। तो ये हम जा रहे हैं जमाल रोड की तरफ। उफ, यहाँ पे भी इतनी ट्रैफिक है, हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। लोग गाड़ियाँ बंद करके बाहर निकले हुए हैं, खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं। ये देखिए जी, मॉल रोड भी पूरे का पूरा ब्लॉक है। मॉल रोड पे भी जो है इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, और ये हर तरफ स्नोफॉल। और देखे पहाड़ों से बर्फ जो है, वो पहाड़ जो है बर्फ़ से ढके पड़े हैं, दरख्तों पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। इतने खूबसूरत मनाजिर हैं, लेकिन लोग इतने ज़्यादा आगे हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक भी फुल जाम है, कोई आगे जा नहीं सकता। हम लोगों के लिए भी जो है आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए हम लोग यहीं से जो है वापसी का रास्ता लेंगे, क्योंकि बच्चे हैं साथ, अगर आगे ज़्यादा ट्रैफिक में फंस गए तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये रिस्क वाली बात है, और छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए अब हम लोग यहाँ से आगे गुलडना चौक आ गया, और यहाँ पे यूटर्न हम दे रहे हैं, क्योंकि गुलडना चौक फुल ब्लॉक हुआ हुआ है। यहाँ पर बड़ी बसेज, बड़ी बसें, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ सब यहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई है, और आगे रोड सारा ब्लॉक हुआ है, बर्फ़ से बंद हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब हम यूटर्न ले के वापस तो निकलेंगे, और शाम भी होने को है, तो बच्चे हैं साथ, तो इससे पहले कि रात गाड़ियों में गुजारनी पड़े, बेहतर यही है कि हम लोग वापसी की तरफ चलें। तो अब हमने यहाँ से यूटर्न, स्नोफॉल देखें आप कितनी ज़्यादा हो रही है, जैसे जैसे शाम हो रही है, रात हो रही है, स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अब हम यहाँ से वापसी का रास्ता ले रहे हैं, और हम अब वापस जा रहे हैं घर को, क्योंकि आगे जाने का कोई भी हाल नहीं है, और बच्चों के साथ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अब हम घर जा रहे हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी आज की मरी की वीडियो। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप में से कौन कौन मरी गया है स्नोफॉल देखने ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।